हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका पीसी फीफा 21 मैनेजर करियर मोड में। ये क्रिस्टल पैलेस का थर्ड सीजन है दोस्तों, और आखिरी एपिसोड है क्रिस्टल पैलेस करियर मोड का। लास्ट एपिसोड हमारा मैच है यूसीएल का मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, यानी कि दोनों प्रीमियर लीग की टीमें। इस मैच में हमारी पूरी मेन लाइनअप खेलेगी दोस्तों, पूरी की पूरी। और अपोनेंट टीम में है एग्वेरो, बर्नार्डो सिल्वा, रहीम स्टर्लिंग, केविन डी ब्रॉयने, मैक्सिमिलियन सेविच, जो भी है प्लेयर, और रोड्री सेंट्रल डिफेंस में, लापोर्ट और लॉन्गले है सेंट्रल बैक पोजिशन में, कारवाजेल और मेंडी है फुल बैक पोजिशंस में, एमर्सन वो है गोलकीपर पोजिशन में। नाम अगर थोड़ा गलत ले लिया हो तो माफ़ कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। आखिरी सीजन है ये क्रिस्टल पैलेस का, लास्ट एपिसोड। मैच शुरू करते हैं, पूरी मेन लाइनअप खेलेगी क्रिस्टल पैलेस की। मैच शुरू होते हुए मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, यूसीएल फाइनल मैच इस सीजन का, यूसीएल फाइनल मैच का पीएसजी हो सकता है इस सीजन का, इस साल का यूसीएल का फाइनल। शायद से मैनचेस्टर सिटी या चेल्सी या फिर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड हो सकता है, पीएसजी भी हो सकती है मैनचेस्टर सिटी की जगह, कोई मालूम नहीं है मुझे अभी फिलहाल के लिए। मतलब मैच अभी कैसी है, मुझे थोड़ा लेट आए पर तभी भी तब तक शायद से ये रिजल्ट आ जाएंगे कि कौन जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी शूट हो रहा है, एपिसोड लेट अपलोड होगा, इसके लिए माफ़ कर देना। सेंकोविच, जहा पास अच्छे थे, ओह लियाओ की ओर बॉल, ओह चैन पासिंग वो कमाल की थी, पर ब्लॉकिंग अच्छी मेंटेन गुड्डी प्लेयर्स की। सर्जियो एग्वेरो के पास बॉल है, देखते क्या कर पाते सर्जियो एग्वेरो इन क्रॉस निकाल, और रोहित स्टर्लिंग के लिए वो काफ़ी अच्छा ब्लॉक किया था, टैकल नहीं था वो ब्लॉक किया था, फाउल कर बैठे। देखते सर्जियो एग्वेरो क्या करते, फर्स्ट लाइन पोजिशन पर खेलते शायद से, ओ काफ़ी अच्छा बॉल डाला और रोहित स्टर्लिंग के लिए वो शूट करने की कोशिश, बच गए अफरा तफरी में बच गए, शायद से बहुत महंगा पड़ जाता। और यह गलती गोलकीपर से एंड थॉमस क्रिकेट से क्लियरेंस आया, बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर दी मैनचेस्टर सिटी, तभी कारवाजेल काफ़ी बेहतर, ओह काफ़ी बेहतरीन ड्रिबल था और बच गया। गोंजालो लुइस, सबित्जर, ओ सेंकोविच, सबित्जर, ओ लियाओ के पास मौका है, अब देखते क्या कर पाते, बेहतरीन पास चैन के लिए, चोट मारा चैन में, शायद से ऑफसाइड ट्रैप में फंस सकते हैं, नहीं फंसे, मतलब गोल हुआ है चैन की ओर से, अच्छी पासिंग थी, कमाल का गोल था ये। उससे पहले भी काफ़ी अच्छे पासिस निकल रही थी क्रिस्टल पैलेस, और आखिर में गोल आ ही गया, फाइनल मैच है ये यूसीएल का। ओहो कमाल की ड्रिबलिंग स्किल थी, उतना ही बेहतरीन पास गोंजालो का ड्रिबलिंग के साथ, चैन को ऊपर मौका मिला और वो चूके नहीं, सबसे ज़्यादा गोल मारने वाले प्लेयर है क्रिस्टल पैलेस के लिए हमारे इस सीज़न में, बेहतरीन गोल ये चैन का, 9 गोल है ये, टॉप गोल स्कोरर नहीं है ये यूसीएल के, सिर्फ प्रीमियर लीग के। लियाओ के पास बॉल, जहाँ किले थ्रू बॉल डालने को भी डाल चुके हैं, अच्छा बॉल, देखते क्या हो पाता है, बेहतरीन मौका था, सैमसर पहुँच नहीं पाए अच्छे से, और क्रॉस डालना चाहिए था शायद से, जहाँ को ऊपर डाल नहीं पाए वो, डाला नहीं उन्होंने, ओ मेंडी शायद से, हाँ मेंडी है नहीं, स्टर्लिंग है दोस्तों, केविन डी ब्रॉयने, रोड्री, ओ तेरी काफ़ी अच्छा मौका, बच गए, ओहो काफ़ी अच्छा क्लियरेंस था, काफ़ी बेहतरीन टैकल था, क्लियरेंस कर दिया पर गलत क्लियरेंस था, शायद से कॉर्नर नहीं थ्रो इन मिला है उन्हें, ओह क्लियरेंस करने की कोशिश, ओ तेरी ये क्या हुआ, बेहतरीन मौका, वो मैनचेस्टर सिटी कितना दबाव डाल रही है, वो तेरी गलत क्लियरेंस कर रही है या क्रिस्टल पैलेस, बच गए, ओह फुल टाइम सॉरी हाफ टाइम कंप्लीट हुआ, काफ़ी ज़्यादा दबाव तो डाल रही है मैनचेस्टर सिटी, देखते सेकेंड हाफ में क्या हो पाता है, फर्स्ट हाफ में चैन का गोल आगे का इस तरीके से, वो रहीम स्टर्लिंग के लिए काफ़ी अच्छा मौका था ये, वो क्लियरेंस ठीक से नहीं हो पाई, ब्लॉक किया बॉल को, ओ तेरी शूट आ ही गया, मैनचेस्टर सिटी दबाव डालते हुए सेकेंड हाफ में भी फिर से बॉल छीन गया सिटी प्लेयर्स ने, काफ़ी ज़्यादा दबाव डालते हुए, ओ तेरी एक अच्छा क्रॉस, ओ बच गए, ओ तेरी ये क्या क्लियर
बटन दबा रहा हूँ, पर मतलब ये लास्ट मैच है इसलिए क्या हर मैच के हिसाब से चेंज होते रहते हैं सिस्टम। ओहो हो, काफी मौका अच्छा है सैंक्रोविच पर फाउल। अब देखते हैं लेवेंडोव्स्की, रॉबर्टो लेवेंडोव्स्की बायर्न म्यूनिख से मैनचेस्टर सिटी आ चुके हैं सेकेंड हाफ में। उन्होंने जगह ली, ओ तेरी, हाँ यार, हाँ स्वाबडिल की होंगी उन्होंने गैब्रियल जेसस के बदले रॉबर्टो लेवेंडोव्स्की की, पर अभी इनकी ओवरऑल रेटिंग कम होगी होगी क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब ओल्ड एज होंगे। ओ बेहतरीन मौका था मैनचेस्टर सिटी के पास, पर गड़बड़ कर दी मैनचेस्टर सिटी ने। ओह फिर से एक अच्छा मौका मिला है टैकल करने की कोशिश, टैकल सक्सेसफुल, देखते क्या हो पाता। ओह चैन के लिए थ्रू बॉल निकाला ईजे के लिए, ओह ईजे ने थ्रू बॉल निकाला लियाओ के लिए, बेहतरीन मौका था, इतना ही बेहतरीन गोल लियाओ का, ये ईजे का पास नहीं, ईजे ने कैप्टन जा है विलपिस जा, वो बेहतरीन मौका था, मुझे लगा ये लियाओ होगी रफाइल लियाओ, मैंने कैप्टन से बैंड नहीं दिखा या नंबर भी नहीं दिखा मुझे किसको। ओह कमाल का था ये पास, होता ही कमाल का गोल, ओपन गोल था पूरा, सेकेंड गोल यहाँ से शायद से क्रिस्टल पैलेस यूसीएल जीत सकती है, सभी टीमों का मेन मोटिव यूसीएल जीतना है, पर यूरोपा जिस पर यूसीएल पर खतरा आ रहा था सुपर लीग की वजह से, वो खतरा शायद से कुछ समय के लिए टल गया है, अगर सुपर लीग चालू हो गई तो शायद से यूसीएल कुछ समय बाद बंद हो जाएगी, लगभग 4-5 सालों बाद अगर यूसीएल का फॉर्मेट ठीक से नहीं बदला था, इसलिए अगर सुपर लीग चालू हो गई जाती है तो यूसीएल बंद भी होने वाली ये पक्का है, क्योंकि यूसीएल की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तब अगर सुपर लीग एक्टिवेट हो गई तो, अभी तो एक्टिवेट नहीं हो रही, इस पर रोक लग चुकी है फीफा ने, और मोस्ट प्रोबेबली वो बोरिस जॉनसन के बयान की वजह से बंद हो गई है, जो बयान दिया था बोरिस जॉनसन ने प्रीमियर लीग के 6 बड़ी टीमों के लिए, अगर वो सिस्टम लीग सुपर लीग में तो इसके ये भी एक टीम है मैनचेस्टर सिटी, ये पूरी तरह से बैन हो जाती प्रीमियर लीग से, इसलिए फिर बाद में उन्होंने वापस ले लिया, सबसे पहला बयान मैनचेस्टर सिटी का आया, फिर चेल्सी आर्सेनल, फिर आर्सेनल ने माफ़ी मांगी, चेल्सी ने नहीं, जो मेरी फेवरेट टीम है, किसी भी टीम ने माफ़ी नहीं मांगी कि हम यूसीएल में मतलब सुपर लीग में हिस्सा नहीं लेने वाले थे इसकी वजह से, इसके लिए माफ़ी मांगी थी सिर्फ आर्सेनल ने। वो ऑन गोल होता ये, काफ़ी अच्छा रन था, ओहो काफ़ी बेहतरीन पासिंग चल रही है, ओ तेरी बेहतरीन पास बर्नार्डो सिल्वा के लिए, वो काफ़ी अच्छा ड्रिबल था, ओ तेरी, नहीं 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 नहीं, ओ गोल आया, ओ रॉबर्टो लेवेंडोव्स्की, नहीं कैप्टन केविन डी ब्रुयने का गोल था ये, बेहतरीन गोल था, काफ़ी दबाव डाल तो रही थी मैनचेस्टर सिटी, बर्नार्डो सिल्वा ने काफ़ी अच्छा पास निकाला, ओह क्लियर करने में नाकामयाब रहे प्लेयर, पर बेहतरीन गोल ये केविन डी ब्रुयने, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में से एक है, नंबर 2 पे है ये फेवरेट, नंबर 1 पे एंगोलो कांटे है जो डिफेंसिव मिडफील्डर है, और ये अटैकिंग मिडफील्डर है नंबर 2 पे, फिर जटान इब्राहिमोविच, फिर फेडरिको वाल्वर्दे, ये 4 प्लेयर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। यूसीएल चैंपियन क्रिस्टल पैलेस बन चुकी है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा था ये रन क्रिस्टल पैलेस का ओवरऑल बेसिस पर, विलपिस जा इस मैच में कैप्टन रहेंगे, वही उठाएंगे ट्रॉफी को, चैंपियनशिप जीतते हुए क्रिस्टल पैलेस, बहुत ही अच्छा रहा ये रन क्रिस्टल पैलेस के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं लायंस करियर मोड को क्यों चूज करना चाहता था, बहुत ही अच्छा रन था ये फिलहाल के लिए, लायंस जो काफ़ी वक्त पहले फ्रांस की लीग वन पे राज किया करती थी, उसके बाद पीएसजी में एंट्री होती है नासिर और खलास की, जो पीएसजी के मालिक है उस वक्त, उन्होंने जैसे पीएसजी के सारे लगभग सारे शेयर खरीदे और पीएसजी में एंट्री की, उन्होंने फिर ट्रांसफर विंडो को लगभग तोड़ मरोड़ दिया, उन्होंने दो बड़े प्लेयर को सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू पे साइन किया ट्रांसफर बजट के बलबूते पे, और वो था लगभग 400 मिलियन से ज़्यादा का यूरोस के ज़्यादा का था वो ट्रांसफर बजट, लगभग 2 प्लेयर साइन किए, उसमें तो पूरी टीम आती है, अधिकतम टीमों की वैल्यू होती नहीं होती, जितने में उधर प्लेयर को साइन किया गया, किलियन एम्बाप्पे और नेमार जूनियर को,
उस वजह से लीग वन पे पीएसजी राज करने लगी। इससे पहले भी बहुत से बड़े बड़े प्लेयर साइन किए पीएसजी ने, वो उनमें से थियागो सिल्वा भी है, तो बहुत सारे बड़े प्लेयर डाटा निकाले और भी। पर उसके बाद पूरी तरह से लीग वन पे पीएसजी का राज होने लगा, लगभग हर साल वो जीतती गई। पर इस सीजन काफ़ी हद तक ओपन है लीग वन, ये आपको बताना चाहता था। इस वजह से मैं लायन का करियर मोड चुना हूँ, देखते हैं अगले सीजन क्या होता है, मतलब लायन की करियर मोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं अगले सीजन न्यू सीजन में लायन के करियर मोड में। नासिर अल खलासी ने पूरे लीग वन को बदल के रख दिया था, ये बात काफ़ी फैंस को नाखुश करी गई। फैंस, फ्रांस के फैंस बहुत नाखुश होते हैं इस वजह से। फैंस तो सपोर्ट करते पी एच जी को, पर अधिकतम फ्रांस के फैंस ही पी एच जी को सपोर्ट नहीं करते, काफ़ी नाखुश है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू वे प्लेयर्स को खरीदते हैं। पर दूसरे प्लेयर टीम में, जो फ्रांस की दूसरी टीम है, उनके पास उतने वैल्यू वेड प्लेयर नहीं होते, अच्छे प्लेयर नहीं होते। इस वजह से नाखुश है फैंस फ्रांस के, और अब देखते हैं क्या हम अच्छा कर पाते हैं, यानी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगी उसमें, कैसे प्रोफेशनल पे हो जाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले सीजन अगले एपिसोड में नई टीम के साथ, न्यू कुछ प्लेयर के साइन करेंगे हम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय दोस्तों।